सर्दी के मौसम में बढ़ते कोहरे को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा लोको पायलट की फोग सेफ्टी डिवाइस देने का निर्णय लिया गया है। जानकारी देते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बढ़ते कोहरे की वजह से लोको पायलट को सिग्नल देखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से फोग सेफ्टी डिवाइस वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये फोग सेफ्टी डिवाइस सिग्नल कितनी दूर है और अलर्ट होने का मैसेज भी देता है। उन्होंने बताया कि सर्दी के साथ बढ़ते कोहरे की अधिकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ठंड के मौसम में कोहरे की अधिकता को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने पूर्ण मुस्तैदी और तैयारियां कर ली है। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा फॉग सेफ्टी डिवाइस भी प्रदान किए जाएंगे, जिसमें लोकोमोटिव में ये फॉग सेफ्टी डिवाइस दी जाते हैं और इससे जो लोको पायलट जो गाड़ी चलाते हैं उनको पहले से ही अलर्ट मिल जाता है कि सिग्नल कितनी दूरी पे है, ताकि वो सतर्क होकर के अपना गाड़ी का संचालन कर सके। इसके अलावा जो हमारे रनिंग स्टाफ है और जो पेट्रोलिंग स्टाफ है, इनकी काउंसलिंग और इनके सेमिनार भी लिए जा रहे हैं, ताकि कोहरे के दौरान कैसे वर्किंग की जाएगी और कैसे संरक्षित रेल संचालन हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके बारे में उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी ने अभी सुरक्षा बैठक में सारे विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि कोहरे के दौरान वर्किंग जो है ऐसी की जाए ताकि पूरी सेफ्टी हम इंश्योर कर सके। इसके अलावा जो हमारे पेट्रोलमैन होते हैं जो कि ट्रैक की देखभाल करते हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी असामान्य घटना होने पर तुरंत कंट्रोल को सूचित करें। इसके अलावा और भी सारे उपाय किए जा रहे हैं, जिससे उत्तर पश्चिम रेलवे पर हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि फॉग के दौरान